हेलो दोस्तों, होप सब लोग बढ़िया होंगे। और ये वीडियो मैं नीट ड्रॉपर्स के लिए बना रहा हूँ, नीट यूजी ड्रॉपर्स के लिए, और स्पेशली सेकंड और थर्ड ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे स्पेशली कि भैया मुझे ड्रॉप और आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बीएससी कर लेना चाहिए, बीएमएस बीडीएस कर लेना चाहिए या मेडिकल छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे क्वेरीज हैं, तो मैं इसमें बिल्कुल जो अपना जो मेरा पर्सनल और पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं इसमें दूंगा। तो ये वीडियो आपको सिर्फ पूरा देखिएगा और सिर्फ मैं दो चीजों पर बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो ये है, यहां पे मैं बिल्कुल क्लियर कट होना चाहूंगा कि पहली चीज आपको ये सोचना है कि सपोज मान लीजिए कि आपका थर्ड ड्रॉप है, तो अगर थर्ड ड्रॉप है तो आपको ये सोचना है कि ऐसा आप नया अगले ड्रॉप में आप क्या कर लोगे जो आप अब तक 36 महीने में नहीं कर पाए हो। ये बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा कि बहुत एटीट्यूड में बोल रहे भैया कि मतलब थर्ड ड्रॉप है, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा सोचो कि आपने 36 महीने दिए ना ड्रॉप के, आपने ऐसा क्या नहीं किया जो आप अगले ड्रॉप में कर लोगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है, आप उसको लिखो, कोई पांच चीज लिखो जिसकी वजह से आपका नीट में नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि नीट यूजी वालों का तो आपका एनटीए को तो आपका पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो आप पांच चीज लिखो। अगर आप वो चीज अगर आप लिख ले जाते हो कि हाँ भैया ये मेरा इस बार प्रॉब्लम था, अगली बार मैं सुधार लूंगा, देन गो फॉर इट ब्रो। अदरवाइज आपको लग रहा है कि अरे यार जैसे चल रहा था वैसे ही जिंदगी चल रहा है, तो यार देखो मैं क्लियर कट बोलूंगा, आप अपना टाइम, पापा का पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर से यही कह रहा हूं, दोहरा दे रहा हूं ये चीज, कि आपको अगर ये चीज क्लियर है कि हाँ मेरा इस बार इसमें गलती रह गया था, मैं इसको सुधार लूंगा, देन गो फॉर इट, क्योंकि आपके पास एक गोल है, एक पाथ है। अदरवाइज ऐसे ही चलते जाओगे डायरेक्शनलेस, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपने दो ट्रेन ड्रॉप ले लिया है, यानी कि अब आप क्लियर हो गए कि यहां पे आपको मेडिकल करना है कि नहीं करना है खुद के लिए। ये नहीं कि पेरेंट्स का प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था कि डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत, ऐसा नहीं है, ये उसमें 100% ट्रूथ नहीं है। तो पहली बात आप ये बैठ के सोचो कि हाँ हमको यही करना है या कोई और प्रोफेशन में जाना है। अगर यही करना है तब समझो कि हाँ अगर मेडिकल ही करना है तो देन लग जाओ, और क्या, फिर क्या दिक्कत है। तो पहली चीज ये दो चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए कि पहली चीज आप क्यों कर रहे हो और दूसरी चीज आप क्या करोगे। अगर ये दो चीज का आंसर मिल गया देन आप ड्रॉप लो और परफेक्ट तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।